सम्मानित मुल्क के मालिको, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज एक और राजवंश की गौरव गाथा आपके बीच में लेकर आया हूं। उस गौरव वंश का नाम, राजवंश का नाम है वाल्मीकि। हेला, डोम, लालवेग, चूहड़ा, मूशर, मातंग, महार, सुपक्ष, बांसफोड़, क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें, जब आप इतिहास खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा कि आज के 2500 वर्ष पहले तथागत भगवान बुद्ध ने सुरीत वाल्मीकि भंगी नाम के व्यक्ति को गले लगाया था। जब लोग देखने से नफरत करते थे, अस्पृश्य और अछूतों को, उनको देखना पसंद नहीं करते थे, वो लोग रात्रि में निकल करके सफाई करते थे, उस समय तथागत भगवान बुद्ध ने गले लगाया था और कहा था कि मानव मानव के साथ भेद अगर करता है तो मानव नहीं जानवर है, और उसे बौद्ध भिक्षु बना करके एक गौरव जीवन देने का काम किया था। आगे चलकर के वो 2500 वर्ष का कार्यकाल भगवान बुद्ध की संस्कृति का चलता है। उस दौरान तमाम राजवंश, चाहे वो नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, पाल वंश हो, या और बहुत सारे वंश हैं जिन लोगों ने शासन किया हो, वो मिनांडर हो, और चाहे वो आपके कह सकते हैं कि गुर्जर समाज के लोग हों, जाट समाज के लोग हों, राजा बने। उसी दौरान, उसी कालखंड में पुराने राजा हुए वाल्मीकि समाज में, जिनका नाम है राजा मदकारी नायक, ये दक्षिण भारत के राजा हुए। राजा पुलीथेवर, ये कर्नाटक के राजा हुए। राजा सुखराव शाह, ये दक्षिण भारत में राजा हुए। रतन सिंह चावरिया, ये महान योद्धा हुए। विचार करिए, अगर भगवान बुद्ध की संस्कृति, सभ्यता में, दर्शन में समानता ना होती, सबको हक अधिकार ना होते, सबको बराबरी का सम्मान ना होता, तो कभी भी आज अस्पृश्य माने जाने वाले उस समय राजा नहीं बन सकते थे। भगवान बुद्ध के उस काल में, 1250 साल का वो स्वर्णिम काल है, उस काल में तमाम, आज जिन्हें शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है, जिनका शोषण होता है, उन लोगों को राजा महाराजा बनने का काम किया। ये वाल्मीकि वंश, ये लालवेग वंश, ये मातंग वंश, ये राजवंश कोई छोटा राजवंश नहीं है, इसने भी देश भारत पर शासन किया है। इतना ही नहीं, पंजाब में जब ये वाल्मीकि समाज के लोग सिख बन जाते हैं, जिन्हें मजहबी कहा जाता है, वहां भी बहुत बहुत बड़े योद्धा हुए, वीर योद्धा हुए। उनके बिना कोई युद्ध नहीं जीता गया, उनकी तलवार के बगैर कोई काम नहीं होता था। उन राजाओं का नाम, उन बाबाओं का नाम है बाबा जीवन सिंह, सरदार चूड़ामणि, बाबा दीप सिंह, बाबा हरि सिंह नालवा, अकाली फूला सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जो मजहबी हो गए लेकिन बहादुर रहे। ये वाल्मीकि समाज का शौर्य इतिहास है। इतना ही नहीं, आगे और कहानी बढ़ी तो शहीद बूरा सिंह हैं, अलवीरी देवी हैं, गबड़ू मल हैं, वीर खुसरो भंगी हैं, माता दीन भंगी वाल्मीकि हैं। 1857 के युद्ध में जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, वो मंगल पांडे की देन नहीं थी, माता दीन भंगी और वाल्मीकि की देन थी। तब जाकर के विद्रोह हुआ, लेकिन इतिहासकारों ने इन्हें छुपा दिया, इन्हें गवा दिया, इनका नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, गंगू मेहतर, शरेआम कानपुर में फांसी लगा दी गई, क्योंकि वो पेश नाना के साथ लड़ा और अंग्रेजों के साथ लड़ा और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। आगे चलकर के वंश ओम प्रकाश वाल्मीकि के रूप में कितने बड़े कवि हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भले ही ये समाज अस्पृश्य हो, एससी ओबीसी के लोग उसके घर खाना ना खाते हों, भले ही वो लोग मुख्य धारा में न जुड़े हों, लेकिन याद रखना ये पुराने राजा महाराजा हैं, और याद रखना इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, इस षड्यंत्र के खिलाफ, इस मनवादी षड्यंत्र के खिलाफ जो इन लोगों से अंतिम समय तक लड़ता रहा, उसे इन्होंने सबसे नीच बनाने का काम किया है। मैं आज आह्वान करता हूं कि वाल्मीकि समाज के लोगों, आप कोई अछूत, असहाय, कमजोर नहीं हो। आज की व्यवस्था ने, मनवादी व्यवस्था ने आपको बद से बदतर बना दिया है, लेकिन इतिहास उठा के देखिए, मैंने कितने राजाओं के आपको नाम गिनाए। पढ़िए, किताबें उठा के देखिए, इतिहास पढ़िए, बौद्ध दर्शन के हीनयान, महायान
और अलग अलग देशों का जब इतिहास हमने पढ़ा तब मुझे पता चला इस समाज में भी इस वंश में भी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। और अगर वर्तमान के इतिहासकारों की हम बात माने तो वाल्मीकि, मातंग, हेला, डोम, महार एक ही हैं। अगर ऐसा हम मानते हैं, इतिहासकारों की बात मानते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इसी परिवार के हैं। संत चोखा मेला भी इसी परिवार के हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बाबा साहब ने संविधान बना करके हमें हक अधिकार देने का काम किया है। तो आज जो हमारे चेहरे पर चमक है वो संविधान की देन है और वो भी इसी राजवंश के इसी परिवार के हैं अगर इतिहासकारों की हम बात मानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आपके पुरखों ने शासन किया था तब जब आपने अपने आप को मजबूत बनाया था, आपने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, आप समतावादी थे, आप तर्कवादी थे, विज्ञानवादी थे, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, तब आप यहां के शासक थे। और जब से आप अंधविश्वासी, पाखंडी, मूर्ति पूजक बन गए हो, आपको बद से बदतर जीवन जीने का अवसर आज प्रदान है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं वाल्मीकि समाज के लोगों से, आओ ये देश, ये संस्कृति, ये श्रवण परंपरा आज आपको पुकार रही है और सब लोग मिलकर के भारत को पुनः हुक्मरान बनाओ, बहुजनों को हुक्मरान बनाओ। हक वंचित समाज के लोग, जो जो पहले राजे महाराजे रहे, जो जो पहले जमींदार रहे, उनको इन्होंने बद से बदतर कर दिया है, नीचा बना दिया है, छोटा बना दिया है, अछूत बना दिया है। क्या क्या नहीं इन्होंने आपके लिए किया, कहां कहां दरवाजे बंद नहीं किए, क्योंकि आप मानसिक गुलाम हैं। मैं चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज पूरे देश का मानसिक गुलामी त्यागे, छोड़े और पुनः शासक की तरफ चले। हम सब आह्वान करते हैं, मैं आह्वान करता हूं कि पूरे देश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसी कोई लोकसभा नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां इस परिवार के लोग नहीं रहते हैं। मैं आह्वान करता हूं, आओ और मिलकर के हम सब चलते हैं और बहुजन बनाते हैं। जातियों के किले बहुत लोगों ने बनाए, सब ढह दिए गए हैं, अब हम बहुजनों का किला बनाते हैं और मिलकर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक क्रांति करके महापुरुषों को, इस भारत को पुनः समर्पित करते हैं। आओ मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, आओ, मैं आपको पुकार रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।